गाइस, आज मैं इनक्यूबेटर की मदद से सुपर हीरो टाइकोन ओपन करने वाला हूँ। ओ भाई साहब, ये तो इस वर्ल्ड की सबसे खतरनाक सुपर विलन है और ये तो हमें मारने के लिए हमारे पास आ रही है। पर हाँ दोस्तों, ये तो दिखने में भी कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोगों ने सुपर हीरो की पावर नहीं ली है तो हमें मार देगी। यही सुपर विलन नहीं, इस साइड पर देखो कितने ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं। और इन सब से बचने के लिए हमें खुद को सुपर हीरो में चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, इस वर्ल्ड में तो हम लोग अपना सुपर हीरो टाइकोन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, सामने देखो, सामने तो बना बनाया सुपर हीरो टाइकोन है। जो बिल्कुल ठीक है, हम लोग इस टाइकोन के अंदर जाकर सारी पावर ले लेते हैं। पर ये तो किसी और का टाइकोन है, हमें इस टाइकोन के अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम सबको आना है तो आओ, मैं तो इस टाइकोन के अंदर जा रहा हूँ। ये देखो, मैं तो इस टाइकोन के अंदर घुस गया। अरे गधे, आगे तो लेजर थी और बेचारा लेजर से टकर कर मारा गया। सिंचैन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इसे अवॉइड करना है। और जब तक हम लोग अपना टाइकोन खुद बिल्ड नहीं कर लेते, हमें कोई पावर नहीं मिलेगी। ओके, अब हम लोग अपना टाइकोन बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये टाइकोन तो अंदर से बिल्कुल खाली है, हमें इस टाइकोन के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, इस डोर के अंदर इंटर होते हैं और सबसे पहले हमारी सेफ्टी जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लेजर लगा दिया है। एक मिनट, टाइकोन तो हमने बिल्ड कर लिया, लेकिन ये टाइकोन तो अंदर से बिल्कुल खाली है। यहाँ पर तो एक सुपर हीरो भी नहीं है। ओचान, वैसे भी तुमसे तो कुछ होता नहीं, हम तो तुमसे अपने टाइकोन की सफाई कराएंगे। ओके, अभी तो ये टाइकोन पूरी तरह से खाली है, लेकिन लास्ट में हम लोग इस टाइकोन को पूरी तरह से सुपर हीरो से भर देंगे और हम लोग सेकंड फ्लोर में भी जाने वाले हैं। बहुत होगी बात है, अब हमें फौरन से सुपर हीरो को अनलॉक करना चाहिए। ओके, पहला सुपर हीरो तो हमें फ्री में मिल रहा है, जल्दी से इसे अनलॉक कर लेते हैं। ओके, इस सुपर हीरो का सूट तो इस इंक्यूबेटर में बांधे और साथ में इसकी पावर भी है, और जब हम चाहे इसका सूट और इसकी पावर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सुपर हीरो को अनलॉक करने के लिए हमें 100 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और ये देखो, हमने इसे भी अनलॉक कर लिया। अरे पॉइंट्स की कमी नहीं है, हमारे पास तो ढेर सारे पॉइंट्स है, हम लोग तो ढेर सारे सुपर हीरो को अनलॉक कर सकते हैं। सुनिए, बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सारे सुपर हीरो को अनलॉक करते जाते हैं। क्या बात है, हमारा तो ये बैटमैन भी अनलॉक हो चुका है। ओके, जितनी जल्दी जल्दी हम लोग ने सारे सुपर हीरो को अनलॉक करेंगे, हमें उतनी ही जल्दी पावर मिलेगी। एक बार हमें सबसे खतरनाक सुपर हीरो मिल जाए, हम लोग उसे क्विप कर लेंगे। फर्स्ट लाइन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें फौरन से सेकंड लाइन में जाना होगा और वहाँ के सारे सुपर हीरो को अनलॉक करना पड़ेगा। 1600 पॉइंट देकर मैंने तो इस सुपर हीरो को अनलॉक कर लिया है। अब आता है, ये तो कैप्टन अमेरिका है। जान तो सिर्फ कैप्टन अमेरिका का सूट ही देखता रहेगा, और हम लोग बाकी के सुपर हीरो को भी अनलॉक कर लेंगे। क्या बात है, अब तो हमारा डेडपूल सुपर हीरो भी आ चुका है। क्या अब तो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज सुपर हीरो भी आ चुका है। ओके दोस्तों, दो लाइन तो हमने फुल कर लिया, अब हम लोग फौरन से थर्ड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, हमारे पास ढेर सारे पॉइंट्स है, अब हम लोग रुकने नहीं वाले, जल्दी जल्दी से ना बाकी के सारे सुपर हीरो को अनलॉक करेंगे। ओके, फ्लैश, फ्लैश तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। वैसे गाइस, आप लोगों को अगर फ्लैश अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बाकी के सुपर हीरो को अनलॉक करने के लिए। ओके गाइस, अब हमें बढ़िया बढ़िया से सुपर हीरो को अनलॉक करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे पॉइंट ज्यादा लगते जा रहे हैं इन सुपर हीरो को अनलॉक करने के लिए। ऑसम, ये देखो, इस बार तो हमारा ये हाल भी निकला है। ये तो दिखने में भी कितना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, अगर इसका एक गुस्सा सुपर विलन को पड़ा ना तो उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। आप फोर लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से इस फोर लाइन के सुपर हीरो को भी अनलॉक करते जाते हैं। ओके, 17,000 देकर हम लोगों ने तो आयरन मैन को अनलॉक कर लिया। इस आयरन मैन को तो इस इंक्यूबेटर में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तो कहता हूँ ना, अभी से ही इसे इक्विप कर लेते हैं। तो बाद में इक्विप करेंगे ना, बाकी के सुपर हीरो को भी अनलॉक करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट तो अभी खत्म नहीं हुए। ओके, 21,000 देकर हमने एक और सुपर हीरो लड़की को भी अनलॉक कर लिया है। ओके, अब तो 23,000 का देखते हैं कौन सा सुपर हीरो है। ये तो कुछ रिपोर्ट टाइप का लग रहा है, और आप सिर्फ लास्ट सुपर हीरो रह चुके हैं, जल्दी से इसे भी जाकर अनलॉक करते हैं। इस लास्ट वाले को अनलॉक करने के लिए तो हमें पूरे 25,000 कॉइंस चाहिए होंगे। तक हमारे पॉइंट्स बढ़े हैं, हम लोग फौरन से बाहर जाकर सुपर विलन की बैंड बजाते हैं। और अब तो हमारे इस हैंड पे ऊपर ये बाल आ चुके हैं, जिसके ऊपर से आग भी निकल रही है, और इसी फायर बाल को हम लोग इस सुपर विलन लड़की के ऊपर थ्रो करके इसे मारने वाले हैं। ओके भाई, जैसे हमने शूट किया
तो इस लड़की के ऊपर जा लगा। एक और नमूना आ गया, इसे तो मैं अपने पांव से कुचल डालूंगी। ओ नो, इसे पता चल गया कि फाइनली हम लोग इसे लड़ने के लिए आए हैं। वैसे भी इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा कम है, हमारे दो तीन शूट लगने की देर है, ये तो नीचे गिर कर मर जाएगी। ऐसा हो ही ना जाए, क्योंकि ये देखो ये भी हमारे ऊपर हमले करती जा रही है। इससे पहले इसके हमले हमें मार दे, हमें फौरन से इसके ऊपर शूट करना पड़ेगा। और काफी देर शूट करने के बाद हम लोगों ने इसकी पावर बिल्कुल मिनिमम कर दी है। ये लास्ट फाइल ही हम लोगों ने फायर किया और इस सुपर विलन लड़की को मार डाला, और अब तो हमारे पूरे 25,000 से ऊपर पॉइंट्स भी हो चुके हैं। ओके, इस साइड पर ज़ॉम्बीज है, चलो यार जल्दी से इनके ऊपर हमला करके इन्हें मारते हैं। ओके, ये क्या, हमारे हमलों से तो ये छोटा ज़ॉम्बीज भी नहीं मर रहा। मुझे तो लगता है ना ये पावर बेकार है, इसीलिए गाइस ये ज़ॉम्बीज मार नहीं रहा। और ये देखो इस साइड पर तो एक और सुपर विलन भी आ चुका है, और इससे लड़ना तो हमारे बस के बाहर है, इसीलिए हमें जल्दी से अपने टाइकोन में जाकर बाकी सुपर हीरो की पावर लेनी पड़ेगी। तो ये हम लोग अपने टाइकोन के अंदर आ चुके हैं, जल्दी से इस लास्ट वाले सुपर हीरो को अनलॉक करते हैं। ओके दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हमें सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ना होगा ताकि हम लोग सेकंड फ्लोर के सुपर हीरो को भी अनलॉक कर पाए। और मैंने तो सुना है सेकंड फ्लोर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुपर हीरो है। तो गाइस जब तक हम लोग इस सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं, आप लोग फटक से वीडियो को लाइक कर दो। ओके, सेकंड फ्लोर के ऊपर तो हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ पर तो एक इंक्यूबेटर भी अभी तक नहीं है। फास्ट वाले को अनलॉक करने के लिए हमें सिर्फ 27,000 पॉइंट्स चाहिए। काफी देर वेट करने के बाद हमारे पास 41,000 पॉइंट्स हो चुके हैं। चलो गाइस जल्दी जल्दी से ना इस सेकंड फ्लोर के सुपर हीरो को भी अनलॉक करते जाते हैं। असम, ये देखो हमारा पहला सुपर हीरो तो आ चुका है। ओके, इसका सूट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी पावर हमें ठीक नहीं लग रही, और अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो वुल्फ मैन है, और इसके पास तो बहुत ही खतरनाक गन होती है। जल्दी से गाइस इसका सूट हम लोग पहन लेते हैं, और इसकी ये पावर भी ले लेते हैं। लुबिटा, इस सूट की क्या जरूरत थी, तुम तो पहले से ही लूमड़ी लग रहे थे। क्या, अब तो हम लोग ने इसकी पावर यानी कि ये पावरफुल गन भी ले ली। क्या बात है, ये गन तो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। ओके, हम लोगों ने नेक्स्ट सुपर हीरो को भी अनलॉक किया, जल्दी जल्दी से आगे भागे, सुपर हीरो को भी अनलॉक करते हैं। ओके, हमारे पास तो अब स्पाइडर मैन भी आ चुके, और ये देखो स्पाइडर मैन के साथ ये गन कितनी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो कौन सा है। ओके, तो कोई रिपोर्ट है, चलो गाइस इसका सूट तो रहने देते हैं, हम लोग इसकी गन ले लेते हैं, क्योंकि ये गन हमें बहुत ही ज्यादा मदद कर सकती है, इसलिए हम लोगों ने इसकी गन भी इक्विप कर ली। सेकंड फ्लोर के हम लोगों ने फर्स्ट लाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये तो लेजर वुमन है, जल्दी से ना इसकी गन भी ले लेते हैं, क्योंकि इसकी गन से ना लेजर्स निकलती हैं। अब मजा आएगा ना इन सुपर विलन की बैंड बजाने का। और अब हम लोग इस स्पाइडर मैन के सूट में जल्दी से निकलते हैं नीचे की तरफ सुपर विलन को मारने के लिए। सुपर हीरो से लड़ने के लिए हम लोग अपने टाइकून से बाहर आ चुके हैं। ओके, इस बार तो हमारा मुकाबला इस सुपर विलन के साथ होने वाला है, के हैंड में तो कितना ही ज्यादा खतरनाक खंजर भी है। जल्दी जल्दी से ये लेजर गन से इसके ऊपर लेजर फेंकते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से इसे शूट कर पाए। तो पूरा बिलीव है गाइस, ये लेजर ना इसे एक ही शूट से मार डालेगी। अब क्या देखते ही रहोगे, हमें फोन से इसके ऊपर शूट करना पड़ेगा, वरना ये तो हमारे पास आकर हमें ही मार डालेगा। पर ये लेजर गन काम क्यों नहीं कर रही, मुझे तो लगता है ये लेजर वो मैं लेजर के सूट में ही काम करेगी। ऐसे चलता रहा हम लोग तो फौरन से मर जाएंगे, इसलिए हमें अपनी गन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप आएगा, क्योंकि हमने गन चेंज कर लिया, और ये देखो इस बार तो ये तीन तीन शूट निकाल रही है। दोस्तों, इस गन के तो तीन शूट लगने की देर थी, इस थानोस की पावर को तो हम लोगों ने येलो में चेंज कर लिया। क्या बात है, ये पावरफुल गन तो बहुत ही ज्यादा काम की, और आप तो इसकी पावर कितनी तेजी से गिर रही है। पावरफुल गन तो मैं अपनी सिटी में भी लेके जाऊंगा, ताकि मैं सबको तोड़ फोड़ डालूं। तीन बच्चों के ऊपर अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, इसने तो स्पीड पकड़ ली और हमें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन फाइनली आप लोगों ने इसे एक शूट किया और मार डाला। तो लेट्स सी नेक्स्ट सुपर विलन कौन आने वाला है। ओह माय गॉड, ये तो एक लड़की है, जब तक हम लोग ना इसके ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं। क्या बात है गाइस, एक एक शूट लगने की देर है, और यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज टिक रहे ही नहीं है। पावरफुल गन को तो यूज करके मजा ही आ गया। ओके, हम लोग ने तो काफी ढेर सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया, और अब बारी आ चुकी है सुपर विलन लड़की की बैंड बजाने की। ओके, इस लड़की का भी हम लोग इस पावरफुल गन से मजा चुकाते, और हमने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इस लड़की की दाद तो वैसे देनी पड़ेगी, हम लोग इसके ऊपर शूट कर रहे हैं, लेकिन इसकी पावर उस थानोस की तरह तेजी से गिर रही नहीं है। लगता है ना इस
इस लड़की ने अपने आप को अपग्रेड किया होगा, इसीलिए तो इसके ऊपर ये गन की पावर असर नहीं कर रही। लेकिन जो भी हो, आज तो हम लोग इसे मार कर ही जाएंगे। क्या जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर शूट कर रहे हैं, इसकी ग्रीन पावर तो खत्म हो चुकी है और आपसे गाइस इसकी येलो पावर ही रह चुकी है और बस ये येलो पावर ही थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ओ नो, ये क्या, इस लड़की ने तो हमें पाव के नीचे कुचल दिया। लेकिन हम लोग सेकंड जन्म ले आया है, अब हम लोग इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये हमारा लास्ट जन्म है, इसीलिए हमें आप काफी ध्यान से इस लड़की के ऊपर शूट करने पड़ेंगे। और अब तो बाकी के सुपर विलन भी आ चुके हैं गाइस इस लड़की को मारने के लिए। एक बार हमें इसकी पावर रेड में दिख जाए मजा तो तब आएगा। तुम सब फिक्र मत करो, जल्दी हम लोग इसकी पावर को रेड में करने वाले हैं। ओके, बाकी के सुपर हीरो भी तो काफी देर से इसके ऊपर शूट कर रहे हैं, लेकिन गाइस ये लड़की है कि इसकी पावर कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ओके बुलाओ, फाइनली इसकी पावर तो रेड में चेंज हो चुकी है। ओके अब तो ये गई, ये अरे फाइनली हम लोगों ने इस लड़की को मार दिया। तो चलो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोग चाहते कि हम लोग सेकंड फ्लोर को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दे तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।